सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 में आने वाली नई यामाहा MT-03 के बारे में, क्योंकि यार इंडिया में जो बाइक KTM ड्यूक 390 है, इसकी सेल फिगर तो काफ़ी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ भाई, सिंगल सिलेंडर में ड्यूक 390 की पावर फिगर बहुत अच्छी है। लेकिन अब जो है इंडिया में एक और गाड़ी आ रही है, जो कि रहने वाली है MT-03, और इसकी बाइक जो टेस्टिंग वगैरह है वो इंडिया में हो चुकी है भाई। इसका जो एड वगैरह है वो इंडिया में चेन्नई में शूट हो रहा है। बाकी यार भाई, आपको वीडियोस मिल जाएंगी लेटेस्ट ही, जो हिंदी में रिव्यू आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, हिंदी में तमिल में मिल जाएगा। तो इसका भाई जो रिव्यू वगैरह है वो पढ़ चुका है, और ये गाड़ी डेफिनेटली इंडिया में लॉन्च होने वाली है। इस वीडियो में आपको हम MT-03 के बारे में सारी बातें बताने वाले हैं। और हाँ भाई, अगर आपको इस गाड़ी की फुल डिटेल चाहिए MT-03 की, तो भाई नीचे मैंने लिंक दे रखा है वेबसाइट का, वहाँ जाओ, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार सबसे पहले बात करते हैं प्राइस। तो यार ये गाड़ी आपको मिल जाएगी 3,30,000 रुपए के आसपास तक का एक्स शोरूम, और भाई ये प्राइस मैं बता रहा हूँ आपको न्यूज़ के अकॉर्डिंग, जी हाँ। और यार इसमें भाई आपको जो मिलेगा इंजन, वो इसका सबसे ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है इस सेगमेंट में। इसका जो इंजन है वो आपको मिल जाएगा 321 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल 4 वॉल 4 स्ट्रोक, और ये आपको पावर दे देगी 42 HP की, और टॉर्क आपको देगी 29.6 Nm का। और यार ये गाड़ी आपको मिल जाएगी 6 गियर के साथ, और इसका जो टॉप स्पीड है वो आपको मिल जाएगा लगभग 180+। और यार इसका भाई जो माइलेज है वो आपको मिलेगा 20 से 25 का, जो कि यार काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और यार इसमें आपको मिल जाएंगे फ्रंट में अपसाइड डाउन ब्लैक कलर के, पीछे आपको मिल जाएगा मोनोशॉक, इसका जो होगा स्विंग आर्म वो आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम का। बाकी यार गाड़ी में आपको मिल जाएगी फ्रंट में 298 mm की डिस्क सिंगल, पीछे आपको मिल जाएगी डिस्क, और ये गाड़ी आएगी डुअल चैनल ABS के साथ, जो कि होगा स्विचेबल। और यार ये गाड़ी आपको मिलेगी काफ़ी अच्छे टायर के साथ, फ्रंट में आपको मिल जाएगा 110 सेक्शन का टायर, पीछे आपको मिल जाएगा 140 सेक्शन का टायर। भाई टायर्स आपको मिलने वाले हैं ट्यूबलेस 17 इंच अलॉय व्हील के साथ। बाकी यार इसका भाई जो फ्यूल टैंक है वो आपको मिल जाएगा 14 लीटर का। और यार इसका भाई जो मीटर कंसोल है वो आपको मिलेगा फुली डिजिटल, जिसमें कि आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, फ्यूल गेज, ABS, ये सब आपको मिलने वाला है। गाड़ी के भाई जो लुक्स हैं वो आप वीडियो में देख रहे हो कि भाई कितनी ज़्यादा शार्प है ये गाड़ी। इसमें आपको मिल जाएगा काफ़ी अच्छा सा मॉन्स्टर लुक। फ्रंट भाई इसमें आपको मिल जाएगा LED का प्रोजेक्टर, और इसके जो DRLs हैं वो आपको आई शेप में मिल जाएंगे, और इसका जो टेल लाइट और जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको मिलने वाला है LED का। बाकी यार बाइक का जो हैंडल बार है वो आपको मिलेगा सिंगल पीस, और इसकी जो सीट है वो आपको मिल जाएगी स्प्लिट की। लेकिन भाई जो इसका एग्जॉस्ट है वो नॉर्मल सा ही रहने वाला है, R15 वाला। तो यार साउंड की भाई उम्मीद मत लगाना कि साउंड बेस ही आएगा, साउंड नॉर्मल ही आएगा। बाकी यार इसमें आपको इंजन काउल वगैरह काफ़ी बेहतरीन मिलेगा, काफ़ी बड़ा सा। और यार ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहने वाली है, स्पेशली यामाहा इस गाड़ी को लॉन्च कर रहा है निंजा 300 और ड्यूक 390 के लिए। बाकी यार R3 भी आ रही भाई, उसका रिव्यू मैंने डाल दिया है, जाकर आप लोग वो भी चेकआउट कर लो भाई, चैनल पे पड़ चुकी है भाई, दो वीडियो पहले आपको R3 का रिव्यू ही मिल जाएगा। और यामाहा जो है इस गाड़ी को लॉन्च करने वाला है अगस्त या फिर सितंबर में, तो भाई ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है बस इन्हीं कुछ दिनों में, तो यार वेट जरूर करो। प्राइसिंग भी ठीक ठाक है, तो भाई जो वीडियो है लाइक कर दो, और यहाँ जो भाई चैनल है सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।